सो वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो हमारा ये थर्ड सेशन एंड द फाइनल सेशन होगा हमारा डिटरमिनेंट्स वाला चैप्टर के ऊपर। अब एज वी नो कि हम एप्लीकेशन इंट्रोडक्शन हमने देखा कि हम डिटरमिनेंट को एक्चुअली कैसे निकालते हैं, उसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं एंड उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज। अब हमने लास्ट सेशन में देखा हम एप्लीकेशन के ऊपर शिफ्ट हो रहे थे, जिसके अंदर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लिया एंड आज हम देखेंगे उसके आगे वाला पार्ट, दैट इज क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल फॉर टू वेरिएबल्स एंड थ्री वेरिएबल्स, इन दोनों के लिए हम देखेंगे। ओके, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है बट बहुत ईजी है। हम ये क्यू यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, हम ये सारी प्रोसेस देखेंगे ये वाले सेशन में। सो स्टे ट्यून विद अस। तो यहाँ पे हम जब क्रैमर्स रूल देखते हैं तो यहाँ पे दो पर्टिकुलर टाइप्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, एक तो टू हो जाएगा और एक थ्री हो जाएगा। अगर टू पूछ रहे थे कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी रहता है क्योंकि उसमें तो हम लोग जो देखते हैं ना वो सारे 2x2 ऑर्डर के रहते हैं, मतलब कि वो चार एलिमेंट्स वाले। लेकिन जब हम थ्री वेरिएबल्स में देखते हैं तो वहां पे हमारे पास 3x3 वाला जो डिटरमिनेंट ऑर्डर बन जाता है, तो इसकी वजह से वो थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती है, बिकॉज उधर हमें क्या करना है, हमारा 3x3 जो डिटरमिनेंट है ऑर्डर है उसके साथ वर्क करना। तो सबसे पहले क्रैमर्स रूल फॉर टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो हमारे पास दो इक्वेशंस, देखो एक बेसिक सा फंडा बता रही हूँ, अगर दो अननोन्स है तो दो इक्वेशंस होना जरूरी है। अगर तीन अननोन्स है, अननोन्स मतलब क्या, ऐसे वेरिएबल्स, अननोन्स यार आर वेरिएबल्स, ऐसी वैल्यू, ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है, हम निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हमें दो इक्वेशंस दिए गए हैं तो उसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे। अगर दो इक्वेशंस है और हमें तीन वेरिएबल्स दिया है, वहां पे एरर है, वहां पे कुछ तो आपको ना प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं होता। अगर आप मैट्रिक्स भी देखोगे, मैट्रिक्स में भी जब हम ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे हमें अजम्पशंस करने पड़ते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप जब भी ध्यान दो, अगर दो वेरिएबल्स है तो दो इक्वेशंस होने ही चाहिए, तीन वेरिएबल्स है तो तीन इक्वेशंस होने ही चाहिए और सब स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीज हमने समझ ली। अब यहाँ पे देखो, दो इक्वेशंस मींस दो वेरिएबल्स। यहाँ पे देखो हमारे पास एक्स है और एक क्या है, वाई। इसका मतलब हमारे पास दो अननोन्स है, नीचे वाले में भी देखो दो अननोन्स है। ठीक है, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमारे कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है। क्या है, कोएफिशिएंट्स, ये पर्टिकुलर वैल्यू होगी, कोई भी एक मैथमेटिकल डिजिट्स वाली वैल्यू होगी। ठीक है, x एंड y हमारे अननोन्स है, यानी कि हमारा वेरिएबल्स, वेरिएबल्स एंड अननोन सेम होते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको लीनियर इक्वेशन दिया गया है, a1x + b1y = c1। ये राइट हैंड साइड हमारा c1 है जो कम्प्लीटली सिर्फ एक कांस्टेंट है, कम्प्लीटली कांस्टेंट। अगर मैं कोई और फॉर्म में लिखूं तो 3x + 4y = 2, 2x + 3 या फिर 5y = 7। समझ लो, मैंने आपको ये इक्वेशन दे दिया। तो यहाँ पे दो अननोन्स दिखाई दे रहे हैं आपको, दो इक्वेशन से दो अननोन्स है एंड राइट हैंड साइड कम्प्लीटली क्या है, हमारा कॉन्स्टेंट वाला पार्ट है। तो वही चीज है यहाँ पे। अब ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आप कैसे क्रैमर्स रूल लगाओगे वो हम देख लेते हैं। क्रैमर्स रूल इज नथिंग बट हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म में सारी चीजें लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन था इसके अंदर क्रैमर्स रूल कैसे लगाया। सबसे पहले तो हमें क्रैमर्स रूल हम यूज करते हैं टू फाइंड टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देखा है, कैलकुलेटर में होता है, नॉर्मली एड सब्ट्रैक्ट करके, कुछ मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर में मल्टीप्लाई करके करना, दैट इज डिफरेंट थिंग। वॉट क्रैमर्स रूल इज एक्चुअली, आप डिटर्मिनेंट से, डिटर्मिनेंट वाला जो फॉर्म है उसका यूज करके आप अपने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। इनडायरेक्टली बोलू तो एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अब एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या क्या लगेगा, यहाँ पे तीन चीजें लगेंगी x और y निकालने के लिए, तीन चीजें लगेंगी। एक है डिटरमिनेंट, नॉर्मल डिटरमिनेंट, एक डिटरमिनेंट विद कोएफिशिएंट ऑफ x और दूसरा होगा डिटरमिनेंट विद कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, ये तीन चीजें लगेंगी फॉर टू वेरिएबल्स, तीन चीजें लगेंगी फॉर टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहली चीज है हमारी d। d कैसे लिखोगे, नॉर्मली जो भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी हमारा कोएफिशिएंट है, नॉर्मली जो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे जो कोएफिशिएंट है उससे हमारा फर्स्ट डिटरमिनेंट वाला फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो a1 b1 a2 b2, ठीक है, ये वाला देखो, ये सारी चीजें हमने क्या कर दी, हमारे नॉर्मल डिटरमिनेंट में लिख दी। अब ये 2x2 का मैट्रिक्स बन गया,
सॉरी ऑर्डर बन गया, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, हमारा जो सारूस रूल है वो इजी लगा सकते हैं, यानी कि ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना हम इसमें, तो वही चीज हमें करनी है। बस याद रखना पहले हम किसका प्रोडक्ट लेते हैं, मेन डायगनल का लेते हैं, उसके बाद हम एंटी डायगनल का लेते हैं, ठीक है, या रिवर्स डायगनल का, तो इतना ध्यान रखना। इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट, हमें एक्स एंड वाई निकालना है, तो हमें एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार लिखना पड़ेगा और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट लिखना पड़ेगा। अब जब हम x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, मेक श्योर जो हमारा x वाला कॉलम होगा ना, x वाला कॉलम, उसको कंप्लीटली रिप्लेस कर दो कांस्टेंट जो हमारा राइट हैंड साइड है। अगर यहाँ पे देखो तो ये मेरा x वाला हो जाता है, ये मेरा y वाला, ये देखो ये x और ये y, ये x और ये y। तो जब हमें dx निकालना है, जब हमें dx निकालना है, तो क्या करोगे, सिंपली x वाला जो कॉलम है उसको इंटरचेंज कर दो हमारे राइट हैंड साइड से, दैट इज सी वन सी टू। क्या करोगे, अगर x निकालना है तो x वाला जो कॉलम होगा उसको क्या कर दो कि रिप्लेस कर दोगे राइट हैंड साइड से। सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे हमारे dy के लिए, यानी कि जब हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y कोएफिशिएंट, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो y वाला कॉलम कौन सा है, d के ऊपर ध्यान देना, y वाला कौन सा पार्ट है, बी वन बी टू। अब हम क्या करेंगे, ये पूरे के पूरे कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे राइट हैंड साइड से, दैट इज सी वन सी टू से। किससे रिप्लेस कर दोगे, सी वन सी टू से। सिंपल है बहुत कॉन्सेप्ट इसका, बस आपको क्या करना है, कुछ कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देना है, जैसे कि जब हम डी लिखेंगे, नॉर्मल डिटरमिनेंट लिखेंगे, तो कंप्लीटली लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ध्यान देना, ये वाले पार्ट के ऊपर। जब हम डी एक्स निकालते हैं तो व्हाट यू नीड टू डू इज, जो भी एक्स वाला कॉलम है आपका उसको रिप्लेस कर दो हमारे राइट हैंड साइड से। जब डी वाई निकालना है तो क्या करोगे, जो वाई वाला कॉलम है हमारा उसको कंप्लीटली रिप्लेस कर दो हमारे राइट हैंड साइड से, ठीक है। अब ये तो हमने नॉर्मल बेसिक सा चीज लिख दिया फॉर डिटरमिनेंट, व्हाट इज एक्चुअली क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल कहता है कि अगर हमें x निकालना है, देन x विल बी इक्वल्स टू dx बाय d एंड y विल बी इक्वल्स टू dy बाय d। अब ये dx और ये dy की वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाल ली है सारी, बस आपको क्या करना है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है और आपको इजीली वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। अगर एक छोटा सा सम लेके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो जो वहां पे लिखा था उससे करते हैं, बहुत सारे सम्स है इसके ऊपर हमने परफॉर्म करना है, बट फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो यहाँ पे अगर मेरे को मुझे डी निकालना है, डी मेरा नॉर्मल डी निकालना है, तो वो कैसे बनेगा, पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3 4 5 2, ठीक है, ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड डी। अब डी एक्स निकालना है, एक के नीचे एक लिखो, मैं साइड साइड लिख रही हूँ। डी एक्स निकालना है मतलब ये जो एक्स वाला कॉलम है कंप्लीटली रिप्लेस कर दोगे राइट हैंड साइड से, तो क्या हो जाएगा 6 7 5 2, ठीक है, ये डी एक्स हो गया। अब डी वाई पे चलो, तो डी वाई क्या हो जाएगा हमारा, कंप्लीटली ये जो वाई वाला कॉलम है उसको रिप्लेस कर दोगे इससे, तो वो कैसे दिखेगा हमारा, 3 4 6 एंड 7, समझ में आया, बस क्या करना है, रिप्लेस करना है, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे आप सारूस रूल लगा दो, दैट सेज कि आपको क्या करना है, सिंपली सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो यहाँ पे 3 × 2 − 5 × 4 दैट इज इक्वल टू 6 − 20, आपको क्या मिल जाएगा, −14 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे से भी आपको कुछ वैल्यूज मिल जाएगी, 12 − 35 कर दो, यहाँ पे क्या होगा, 21 − 24 कर दो, जो भी वैल्यूज आएगी आपको क्या करना है, बस इससे डिवाइड कर देना और आपको रिस्पेक्ट टू अपना एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, वाई का वैल्यू मिल जाएगा। बस इतना ध्यान रखना हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्रैमर्स रूल को यूज करते हैं। अब हम आते हैं हमारे मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, नॉट कॉम्प्लिकेटेड बस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, क्रैमर्स रूल फॉर 3 variables in 3 equations, वहां पे या 3 equations in 3 variables, आपको जैसे इसको रीड करना है, बस हमें इतना ध्यान रखना है 3 variables है तो 3 equations होना मैंडेटरी है, 3 variables है तो 3 equations होने ही चाहिए। अब कैलकुलेटर में भी देख लो, जब आप प्रेस करोगे ऑप्शंस या फिर मोड को प्रेस करोगे, तो वहां पे आपको पूछा जाता है कि कितने वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स पूछे जाते हैं। क्यों पूछा जाता है, बिकॉज वहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने होंगे उतना वो जजमेंट लेगा कि इतने आपके पास इक्वेशंस भी होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं 3 variables की बात करूं, तो हमारे पास यहाँ पे देखो 3 variables कौन से है, x y एंड z, मेरे पास 3 variables है, तीनों इक्वेशन में x y एंड z होने चाहिए, तीनों इक्वेशंस में होने चाहिए, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है।
अब यहाँ पे जो हमारा ए वन बी वन सी वन डी वन ए टू बी टू सी टू डी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री डी थ्री ये क्या है हमारे कोएफिशिएंट्स है, कोई भी एक डिजिट होगा, कोई भी एक रियल वैल्यू होगी, जो भी वैल्यूज आपको इसको देनी वो आप दे सकते हैं। और ये जो हमारा यहाँ पे भी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है कम्प्लीटली कॉन्स्टेंट है। अगर मैं नॉर्मल फॉर्म में लिखूँ तो थ्री एक्स प्लस टू वाई एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ, नाइन सिक्स एक्स प्लस फोर्टीन वाई प्लस सिक्स जेड इक्वल्स टू टू, फाइव एक्स प्लस एट वाई माइनस नाइन जेड इक्वल्स टू समझ लो सेवनटीन। ये नॉर्मल से मैंने तीन इक्वेशंस लिए जिधर मेरे पास तीन वेरिएबल्स है। नॉर्मल एग्जांपल देखो, यहाँ पे जो हमारा राइट हैंड साइड है वो क्या है कम्प्लीटली कॉन्स्टेंट्स वाला है, और ये थ्री टू फाइव सिक्स फोर्टीन सिक्स फाइव एट नाइन माइनस नाइन साइन के साथ उठाना माइनस नाइन, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारी ये जो रेस्पेक्टिव वैल्यूज दिखाई दे रही है वो सब हो जाएगी। अब हम आते हैं हमारा रूल के ऊपर। अब यहाँ पे एक चीज है हमारे पास कि जब भी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो हमारे पास अब कितने वेरिएबल्स है, तीन वेरिएबल्स है। तो अब हमें यहाँ पे क्या क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा मतलब कि डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट विद कोएफिशिएंट जो हमारा एक्स है उसके लिए निकालना पड़ेगा, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना पड़ेगा, फिर विद रिस्पेक्ट टू जेड निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमें चार डिटरमिनेंट्स निकालने, मेक श्योर चार डिटरमिनेंट्स है, प्रोसेस बढ़ रहा है इसके लिए ज्यादा वेटेज रखता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे चार चीजें निकालनी है हमें, डी dx, dy, dz, ठीक है। अब ये निकालने के लिए तरीका क्या है हमारे पास, जैसे हमने हमारा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर देखा था वैसे ही ये भी है, बस आपको जब d निकालोगे, सिंपली जब d निकालने वाले हो तो आपको क्या करना है, सारे जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में पार्ट्स है रियल वैल्यूज या फिर कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट्स उसको क्या करना है यहाँ पे लिखना है, सिंपली लिखना है। अगर इसके हिसाब से बोलो, अगर ये एग्जाम्पल कंसिडर करूँ तो मेरा डी क्या हो जाएगा, थ्री टू फाइव, देखो थ्री टू फाइव, एंड रो वाइज लिखना, कॉलम वाइज मत लिखना, थ्री टू फाइव सिक्स फोर्टीन सिक्स फाइव एट माइनस नाइन, ये मेरा हो जाएगा डी। सिंपली लेफ्ट हैंड साइड के कोएफिशिएंट्स को लो एंड लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा dx लिखना। अब ये dx है हमारा एक्चुअली डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट x, dy डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट y, dz इज डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट z, ठीक है। अब यहाँ पे हम x को कैसे लिखेंगे, सिंपली जैसे 2 क्रॉस 2 में किया, क्या करोगे जो x वाला हमारा कॉलम होगा, जो x वाला हमारा कॉलम होगा उसको कंप्लीटली रिप्लेस कर दो राइट मोस्ट पार्ट से, राइट मोस्ट साइड में जो भी है। तो हमारा राइट मोस्ट में क्या था, d1 d2 d3, इक्वेशन को अगर देखोगे ध्यान से तो क्या था हमारे पास, d1 d2 d3 था, तो हमें क्या कर दिया वही चीज यहाँ पे लिख दिए, हो जाएगा हमारा x। अगर एग्जाम्पल में देखूं तो dx क्या हो जाएगा, dx will be equals to, बाकी सारी चीजें सेम होगी, सारी चीजें सेम होगी, अगर लिखूं तो 12, 14, 8, 5, 6, -9, ये चीज सेम होगा, बस चेंजेस कहाँ आने वाले हैं, हमारा जो ये x वाला कॉलम है, तो x वाले कॉलम में क्या आ जाएगा 9, 2 and 17, ये जो हमारा राइट हैंड साइड है उससे क्या करोगे रिप्लेस कर दोगे, ये मेरा dx हो जाएगा। अब 3 क्रॉस 3 का हमने डिटरमिनेंट निकालना तो सीख लिया है, हमने दो सेशन में वही तो किया है, थर्ड सेशन में भी वही करना है। अब dx dy निकालना है मुझे, डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू कोएफिशिएंट y अगर निकालना है तो क्या करोगे, जो y वाला कॉलम है, हाँ देखो जो y वाला कॉलम है उसको क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे किससे, तो हमारा जो कॉन्स्टेंट वाला पार्ट है उससे सिंपली, एंड देन z वाला निकालना है तो z वाला जो कॉलम होगा कोएफिशिएंट या फिर वेरिएबल वाला, तो उसको क्या करना है आपको राइट मोस्ट से रिप्लेस करना है। अगर इसमें बोलो एग्जाम्पल के साथ बोलो तो मेरा डी ऑफ y क्या हो जाएगा, सिंपली जो हमारा y वाला पार्ट है उसको रिप्लेस करना है, तो 6, 3, 6, 5 जो हमारा नॉर्मल कॉलम था, उसके बाद जो y वाला कॉलम है, y वाला जो था उसको आपको रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करोगे 9, 2, 17 से, जो राइट मोस्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब डी जेड निकालते हैं, तो डी जेड में क्या हो जाएगा, जो जेड वाला कॉलम है वो रिप्लेस होगा, बाकी जो एक्स एंड वाई वाले है वो एज इट इज रहेंगे, तो 12, 14, 8 बस इसको चेंज कर दोगे इससे, तो ये क्या है 9, 2, 17, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, बस आपको ध्यान रखना है आप किसके लिए निकाल रहे हो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये तो हमारा डिटरमिनेंट था, अब जो हमारा एक्चुअली
क्रैमर्स रूल है वो क्या कहता है, जो हमने वहां पे देखा, x will be equals to dx upon d, y will be equals to dy upon d, z will be equals to dz upon d. इस सब की वैल्यू हम निकाल रहे हैं ऊपर ही, ये वाले प्रोसेस से, डिटरमिनेंट वाले प्रोसेस से. बस आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है. एंड यहाँ पे एक चीज आती है दोनों में, प्रोवाइडेड दैट d शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो. अगर d जीरो हो जाएगा, यानी अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो आंसर कैसे निकालोगे? It's not possible to find the answer अगर denominator zero हो जाता है, right? तो हमें क्या करना है, provided that d should not be equals to zero. अगर d zero आ रहा है, मतलब कहीं तो आपने कुछ तो गड़बड़ की है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना अपने आंसर को वापस. फिर उसके बाद कुछ रूल्स नहीं कह सकते, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स है जिसका आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा है तो फिर उसको क्या करो, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दो, वरना एग्जांपल कैसे सॉल्व करोगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो रूल नंबर वन है या फिर नोट है हमारे पास, पॉइंट टू रिमेम्बर, जो आपको कहना है, सबसे पहला है राइट इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म. आपको क्या करना है, आपके जो इक्वेशंस है, okay, जो इक्वेशंस है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. यहाँ पे हमारे पास क्या है, x plus y is equals to 2, x plus z is equals to 1, y plus z equals to 3. तो यहाँ पे नोटिस करोगे तो हमारे पास तीन इक्वेशंस है, तीन अननोन्स भी दिखाई दे रहे हैं, x, y, z तीनों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x, z नहीं है, okay, मिसिंग है, यहाँ पे y मिसिंग है, यहाँ पे x मिसिंग है ना, मिसिंग. तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं हुआ, राइट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं. हमें क्या करना पड़ेगा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा. कैसे लाओगे, ऐसा क्या टर्म इंट्रोड्यूस करोगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा. जो टर्म नहीं है उसको क्या करो, जीरो से मल्टीप्लाई कर दो. जैसे कि ये, इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस जीरो जेड इज इक्वल्स टू टू. जीरो जेड मतलब ही कुछ नहीं, राइट, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज व्हाट, जीरो ओनली, मतलब कि उसका एग्जिस्टेंस तो कुछ है नहीं, लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हमें वो टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. उसके बाद नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा, x plus 0y plus z is equals to 1, इसके लिए नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, 0x plus y plus z equals to 3. ये लिखने का मोटिव अगर मैं बोलूं, तो फिर मोटिव ये है कि हमें 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स को जनरेट करना है, राइट, तो वो जनरेट करने के लिए हमें टर्म्स तो चाहिए, सारे टर्म्स चाहिए, कहीं भी ब्लैंक थोड़ी छोड़ सकते हो. तो इसको आप कैसे लिखोगे, आप अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इसमें लिखूं डिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो 1 1 0, नेक्स्ट 1 0 1, इसको देखो 1 1 0, 1 0 1, 0 1 1, हो गया हमारा डी वाला मैट्रिक्स, हमने लिख दिया इससे. लेकिन अगर आपने इस फॉर्म में लिखा होता तो कैसे लिखते ना, कुछ तो एक मिसिंग वाला पार्ट हो जाता. अब इसमें आपको कैसे बनाओगे, आई डोंट नो. तो प्लीज रिमेम्बर, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है. ये हो गया एक. अब दूसरा है हमारे पास, लीनियर फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी होती है, यानी कि राइट इक्वेशन इन लीनियर फॉर्म. हमें देखो यहाँ पे क्या इक्वेशन दिया है, 3 upon x plus 4 upon y equals to 10. नेक्स्ट क्या है, 4 upon x plus 1 upon y is equals to 4. अभी हमें दो इक्वेशन दिए गए जिसमें वेरिएबल्स नीचे है, हम क्या ऐसा करेंगे कि इसको हम लाइक ये लीनियर फॉर्म में तो हमें दिखाई नहीं दे रहा. लीनियर फॉर्म क्या कहता है, ax plus by plus cz equals to d, या फिर ax plus by equals to c. ये टू वेरिएबल्स के लिए और ये थ्री वेरिएबल्स के लिए, ठीक है. तो हमें ये दोनों तो हमारा लीनियर फॉर्म है, ये जो दिखाई दे रहा है ये तो कम्प्लीटली अलग ही कुछ फॉर्म में दिखाई दे रहा है. लेकिन अगर हम कुछ सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, कोई एक चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी आप सभी को इसके अंदर, तो वो है 1 upon x and 1 upon y. तो कैन आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, हम क्या कर सकते हैं, एक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. क्या करोगे आप इसमें, पुट a इज इक्वल्स टू 1 upon x and b is equals to 1 upon y, पुट कर दो. तो इससे आपको क्या मिलेगा, 1 upon x है तो ये हो जाएगा a, इसके बाद प्लस 4b is equals to 10. हमने क्या किया, ये इंटू 1 upon y हो गया ये वाला पार्ट, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, b सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. नेक्स्ट इसके अंदर आ जाओ तो 4a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4, कैसे, तो 1 upon a into 1 होगा, तो 1 upon x को हम क्या कर सकते हैं, a सब्सटीट्यूट करेंगे. ये तो हमारा अजम्पशन ही था ये वाला, तो ये b हो गया एंड ये 4 एज इट इज. अब ये लीनियर फॉर्म में आ गया, 3a plus 4b equals to 10 एंड 4a plus b is equals to 4, आ गया नॉर्मल हमारा जो लीनियर फॉर्म था ये दोनों के हिसाब से, ठीक है. तो ऐसे कुछ कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको तो प्लीज मॉडिफिकेशन करना इन स्टैंडर्ड, या फिर जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है उसमें लिखना. अब यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटीज ऐसी भी हो सकती है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड एक्चुअली पूछा गया था आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको. तो इसके अंदर आपको बस थोड़ी सी चीजों के ऊपर ध्यान देना है,
कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या कहता है, ax, तीन वेरिएबल्स है, तीन इक्वेशंस है, ये तो सही है हमारे पास, बट हमें हमारे राइट हैंड साइड पे देखो क्या है, x, y, z, नीचे क्या है, 4xyz, नीचे क्या है, 16xyz, do we need that x, y, z on our right hand side, याद करो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax plus by plus cz equals to d, d सिर्फ हमारा क्या था, कोएफिशिएंट था, एक कांस्टेंट था, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं था, हमें यहाँ पे वेरिएबल दिखाई दे रहा है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, कैसा मॉडिफिकेशन, ऐसे कि ये जो हमारा पार्ट है राइट हैंड साइड में ये एलिमिनेट हो जाए, वो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड एंटायरली, क्या करोगे, डिवाइड एंटायरली बाय एक्स वाई जेड, सारे के सारे इक्वेशन को क्या कर दो, एक्स वाई जेड से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो इससे एक और बेनिफिट हो जाएगी, सारे इक्वेशंस में हमें सारे वेरिएबल्स भी ठीक से मिल जाएंगे, एक्स वाई जेड अब इससे क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं, पेन चेंज करती हूँ ताकि कैंसिलेशन समझ में आए, तो यहाँ पे देखो सबके पास डिनोमिनेटर आ गया, एक्स वाई गेट्स कैंसल्ड, यहाँ पे हमारे पास वाई जेड गेट्स कैंसल्ड, यहाँ पे एक्स जेड एंड एक्स जेड गेट कैंसल्ड, यहाँ पे पूरा का पूरा टर्म ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक्स वाई यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर तो हम कैंसिल कर सकते हैं, प्रोडक्ट है, कोई और ऑपरेशन रहता तो नहीं करते, प्रोडक्ट है तो हम कर सकते हैं, यहाँ पे हमने ये कैंसिल कर दिया, इधर भी ये कंप्लीट था, तो यहाँ पे एक्स वाई यहाँ पे वाई जेड यहाँ पे जेड एक्स और ये कंप्लीट था, ठीक है, तो कुछ चीजें कैंसिल हो गई, कुछ चीजें बच गई, अब जो बच गई है उसे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, वन अपॉन जेड, यहाँ पे क्या बचा है, प्लस वन अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या बचा है, प्लस वन अपॉन वाई, ध्यान से देखोगे तो आपको नोटिस होगा यहाँ पे क्या बचा है, कुछ भी नहीं, मतलब वन, अब नेक्स्ट आ जाते हैं उसके नीचे वाले इक्वेशन में, क्या है हमारे पास, टू है यहाँ पे और नीचे जेड है, यहाँ पे थ्री है और नीचे एक्स है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, वन है ऊपर और नीचे वाई है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ फोर बचा, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ फोर लिख देंगे, उसके नीचे आ जाओ तो फोर अपॉन जेड प्लस नाइन अपॉन एक्स प्लस हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं, वन अपॉन वाई is equals to 16, यहाँ पे हमारे पास 16 है, ठीक है, अब हमने इतनी चीजें लिख दी, बट फिर भी ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, हमने जस्ट अभी पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ एक चीज कॉमन देखने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन वाई, वन अपॉन जेड, ये सब में कॉमन है, तो आप क्या कर सकते हो, पुट वन अपॉन एक्स इज वन अपॉन जेड, वन अपॉन जेड इज इक्वल्स टू ए, वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू बी, वन अपॉन वाई इज इक्वल्स टू सी, पर्पजफुली ये अरेंजमेंट में लिया ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन समझ में आए, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू वन हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन, दूसरा टू ए प्लस थ्री बी प्लस सी इज इक्वल्स टू फोर, तीसरा फोर ए प्लस नाइन बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 16, अब आपको आपके तीन इक्वेशन दिखाई दिए सही से, यहाँ पे देखो सारे इक्वेशन दिखाई दिए, तो अब आप क्या कर सकते हो, सिंपली वो गलती से हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया, जो हमारा एक्चुअल फॉर्म था उसमें आ गया, अब इसमें आप डायरेक्टली डी लिख सकते हो, वन 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 टू थ्री वन फोर नाइन वन, dx भी लिख सकते हो, एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ, dx कैसे लिखोगे, यहाँ पे तो कम्प्लीटली जो x वाला कॉलम, x नहीं सॉरी da, यहाँ पे वेरिएबल हमारा a है, तो da क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको रिप्लेस कर दोगे हमारे लेफ्ट राइट हैंड साइड से, तो 1 4 16 और उसके आगे 1 3 9 1 1 1 हो गया, सारी चीजें सिंपल थी, अब db निकालना है तो क्या करोगे, ये जो b वाला पार्ट है उसको किससे चेंज कर दोगे, 1 4 16 से, एज सिंपल एज दैट, हो गया, इतनी चीजें होप सो समझ में आई होगी, तो ये हमारा था बेसिक थ्योरी जितना या कॉन्सेप्ट जो हमें रिक्वायर्ड था ये सेशन में, अब हम चलते हैं हमारे सम्स की ओर, बिकॉज सम्स आर आर प्रायोरिटी और बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है सारे के सारे, बहुत लाइक इंपॉर्टेंट
है आपको पूछे गए हैं पेपर्स में कई इयर्स में, एंड ऑफकोर्स पॉलिटेक्निक एंड डिप्लोमा सारे कंसर्न में हम देख रहे हैं, तो इन नंबर ऑफ सम्स ऑफ कोर्स बनते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे आता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल, या फिर आपको क्या आएगा, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। रूल नहीं मेंशन किया है, बट आपको तुरंत जजमेंट आना चाहिए कि हम किससे सॉल्व कर सकते हैं, इजिली डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, 5/(x+2) प्लस 3/(y+1) इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, और ये सेमीकोलन क्या डिनोट करता है कि हमने सेपरेट किया है। फिर 10/(x+2) माइनस 3/(y+1) इज इक्वल्स टू 1। अब नोटिस करोगे तो यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन दिखाई दे रही है, बट वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन चीज है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पुट 1/(x+2) इज इक्वल्स टू a and 1/(y+1) is equals to b, I can substitute, right? अब substitute करने के बाद वो कैसे हो जाएगा, 5a+3b is equals to 2, और दूसरा equation क्या हो जाएगा, इसके नीचे लिखती हूँ, that is 10a-3b is equals to 1, जैसा था वैसा लिखा। दो unknowns है, दो equations है, you can solve this question by Cramer's rule, और अब हम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा D क्या हो जाएगा, D will be equals to determinant, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो 5, 10, 3 - 3 हमारा D हो जाएगा ना। सारू रूल जो है हमारा 2×2 के लिए, दैट इज 5×-3 - 10×3, दैट इज -15, -30 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, -45। ये हो गया हमारा D। नाउ नेक्स्ट टास्क है हमारे पास डी ए निकालना, राइट right? तो अब डी ए निकाल लेते हैं, हम यहीं पे निकाल देते हैं। डी ए विल बी इक्वल्स टू, जो ए वाला कॉलम है उसको रिप्लेस कर दो हमारे राइट हैंड साइड से। डी ए विल बी इक्वल्स टू 2×-3 - 3×1, दैट इज -6 - 3, दैट इज इक्वल्स टू -9। नेक्स्ट आज डी बी पे, तो डी बी विल बी इक्वल्स टू हमारा जो बी वाला है उसको कंप्लीटली आप चेंज कर दोगे राइट हैंड साइड से, तो 5, 10 यहाँ पे क्या है, 2, 1। नाउ 5×1 - 10×2, दैट इज 5 - 20, सॉरी विल बी इक्वल्स टू -15। आपको आपके सारे वैल्यूज मिल गए, ये डी ए है, ये डी बी है, और ये हमारा डी ए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल आप लिख दो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल वी नो दैट ए इज इक्वल्स टू अपना डी ए अपॉन डी होता है, एंड बी विल बी इक्वल्स टू डी बी अपॉन डी होता है। अब सब्सटीट्यूट कर दो जो भी वैल्यूज आपको मिली है, जैसे कि हमारा डी ए क्या है, -9, डी बी क्या है, डी क्या है हमारे पास, -45। माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड एंड 9×5 = 45, तो 1/5 हमें यहाँ पे एक मिल गया। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, तो बी विल बी इक्वल्स टू डी बी कितना है, -15, डी कितना है, -45, माइनस माइनस गेट्स कैंसल एंड 15×3 = 45, तो 1/3 हमें यहाँ पे आंसर मिल गया। नाउ डू वी नीड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, नो, क्योंकि हमने वो ऐसा पार्ट है जो अज्यूम किया है, हमने ऊपर क्या किया था 1/(x+2) एंड जो भी वैल्यूज थी उसको क्या किया, अज्यूम किया था। वी डोंट नीड ए एंड बी, वी नीड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हमें क्या चाहिए, एक्स एंड वाई चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो 1/(x+2)x, तो हम क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दो, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वी गेट 1/(x+2) टू बी इक्वल्स टू 1/5 एंड 1/(y+1) = 1/3। आज ये मैंने कोई हवे में नहीं लिखा है, ऊपर जो हमने अज्यूम किया था बस उसको डाल दिया यहाँ पे। फिर आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आपको अल्टरनेंडो एंड बाकी सारे जो प्रॉपर्टीज थे हमारे, कंपोनेंडो, अल्टरनेंडो, डिविडेंडो वगैरह याद है, तो आप वहाँ पे ये भी अप्लाई कर सकते हो, यू कैन इजिली गेट, या फिर सिंपली बोलो तो रेसिप्रोकल कर दो, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, x+2 = 5, therefore x = 5 - 2, x = 3, आपको x की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, तो y+1 = 3, now y = 3 - 1, y = 2, you got your answer for x and y to be equals to 3 and 2, therefore जब लास्ट में लिखोगे तो आप क्या लिखो, therefore the value of x is equals to 3 and value of y is equals to 2, या फिर x, y is equals to 3, 2, ऐसे भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपको आपकी वैल्यूज मिल गई x एंड y की,
काफी इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज x प्लस जेड इज इक्वल टू 4, y प्लस जेड इज इक्वल टू 2, x प्लस 4 इज इक्वल x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तीन अननोन्स है, तीन इक्वेशंस है, लेकिन तीनों इक्वेशंस में कुछ कुछ चीजें मिसिंग दिखाई दे रही है, जैसे कि फर्स्ट वाले में y मिसिंग है, सेकंड वाले में x है एंड थर्ड वाले में z मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, हमारा लीनियर जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अंदर। तो हम वो कैसे लिखेंगे, जीरो वाला टर्म जो है उसको इंट्रोड्यूस करके, यहाँ पे हो जाएगा 0x plus y plus z is equals to 2x plus y plus 0z is equals to 0। क्रॉस चेक कर लेना, कभी कभी उठाते टाइम कोएफिशिएंट से हम गलती कर देते, तो 1x 1x, y वाला टर्म नहीं था तो 0y plus z is equals to 4, यहाँ पे x नहीं है तो 0x plus y plus z is equals to 2, यहाँ पे z नहीं है तो हम क्या करेंगे, z वाले टर्म के साथ चीजें लिख देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, कैसे हमें डी फॉर्म करना है, क्योंकि हमें सॉल्व करना है ना साइमल्टेनियस इक्वेशन को। तो हमें डी फॉर्म करने के लिए हम कम्प्लीटली लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, तो 101011, यहाँ पे देखो फिर 110, इसके ऊपर ध्यान देना। ठीक है, ये हो गया हमारा डी। थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स का ऑर्डर का तो हमने देखा था, कैसे निकालोगे, 1 डिटरमिनेंट सॉरी माइनर ऑफ 1, तो 1110 कैसे निकाला, हाइट दिस रो हाइट दिस कॉलम, जो चीज बची वो लिख दे। सेकंड हमने क्या करना है, माइनस की साइन देनी है और सेकंड टर्म क्या है, जीरो, तो जीरो से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी तो कम्प्लीटली हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, इसके लिए हटा दो। नेक्स्ट प्लस 1 आएगा और इसके माइनर्स हमें लिखने, तो 0111 सिर्फ हाइड कर दो उसका रो और उसका कॉलम, तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इक्वल्स टू 1 × 1 × 0 माइनस 1 × 1 प्लस 1 × 1 × 0 माइनस 1 × 1। नेक्स्ट 1 यहाँ पे आ जाएगा, 0 माइनस 1 यहाँ पे क्या होगा, प्लस 1, 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 × −1 दैट इज माइनस ऑफ 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 है तो ये भी माइनस ऑफ 1, प्लस है बाहर दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2। हमें नीचे क्या आ रहा है, माइनस ऑफ 2 हमारे डी की वैल्यू है, माइनस ऑफ 2, डी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2। अब चलते हैं हमारे dx के ऊपर, तो dx कैसे निकालोगे, सिंपली आपको क्या करना है, जो x वाला कॉलम है उसको चेंज कर देना है, किससे, हमारे राइट हैंड साइड से, तो 4 2 0, बाकी सारी चीजें यहां से कॉपी करके लिखोगे तो भी चलेगा। देखो ये दोनों कॉलम एज इट इज हमने सेम लिखे, बस चेंज किसमें आना है, x वाले कॉलम में। ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क, 4 × −1 0, फिर उसके बाद जीरो वाला टर्म है कंप्लीटली क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, प्लस 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके माइनस 2 101 दैट इज इक्वल्स टू 4 × 1 × 0 माइनस 1 × 1 प्लस 1 × 2 × 1 माइनस 0 × 1 दैट इज इक्वल्स टू 4 × 0 − 1 प्लस 1 × 2 − 0 दैट इज इक्वल्स टू 4 × −1 प्लस 1 × 2 दैट इज माइनस 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ। तो हमें यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, माइनस ऑफ 2 मिल रहा है, हमारे डी एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस ऑफ 2। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया बिकॉज आई वांटेड यू ऑल टू सी दैट क्वेश्चन सामने। ये हो गया हमारा डी ऑफ एक्स, अब चलते हैं हम डी ऑफ जेड के डी ऑफ वाई के ऊपर, तो डी ऑफ वाई विल बी इक्वल्स टू हमारा जो भी चीज आपको मिल रही है, y को चेंज करना है हमारी ये वाले कॉलम से, तो ये हो जाएगा 1 0 1 4 2 0 1 1 0। नाउ सॉल्व दिस, तो 1 × − यानी कि 2 1 0 0, नेक्स्ट माइनस 4 अल्टरनेट साइंस देते हैं हम, और इसका कॉलम और उसका रो हाइड कर दोगे तो 1 0 1 0 आपको मिलेगा, 0 1 0 1 1 0 आपको मिलेगा, फिर प्लस 1 है हमारे पास और उसके माइनस क्या है, 0 2 1 0। अब कुछ कुछ चीजें आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, सारी चीजें लिखने की तो जरूरत है नहीं, जैसे कि ये जो स्टेप लिख रहे हैं वो अवॉइड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो 0 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, 1 से 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलना है आपको, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दो चलो −4 × 0 × 0 − 1 × 1 + 1 × 0 × 0 − 2 × 1,
नेक्स्ट चीज क्या मिलेगी आपको यहाँ पे, 1 × 0 − 0 तो जीरो ही होगा, इसके लिए कहा था इग्नोर कर दो उसको, इज इक्वल्स टू नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, −4 है, 0 है हटा दो, −1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, +4। यहाँ पे देखो +1 है, 0 − 2 दैट इज इक्वल्स टू −2, −2 × 1 विल बी इक्वल्स टू −2, हमें यहाँ पे −2 मिल गया, देयरफॉर द वैल्यू इज इक्वल्स टू 2, हमें यहाँ पे डी वाई भी मिल गया। अब चलते हैं dz के ऊपर, dz क्या हो जाएगा हमारा, जो z वाला कॉलम है उसको आप चेंज करोगे तो 101 011 और यहाँ पे क्या है 420, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, दिस विल बी इक्वल्स टू हमारे पास 1 × 1 2 1 0 माइनस, ये जीरो है और बीच वाला टर्म जीरो है तो हम क्या कर सकते हैं, टोटली इग्नोर कर सकते हैं, +4 और उसके माइनस क्या है 0 1 1 1, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 × 1 × 0 − 2 × 1, नीचे लिख रही हूँ +4 0 × 1 − 1 × 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 × 0 हो जाएगा हटा दो −2 +4 अगेन 0 हो जाएगा हटा दो −1, दिस विल बी −2 − 4 दैट इज इक्वल्स टू −6। तो हम सारी वैल्यूज जो है हम अब नीचे लिख लेते एक बार, जितने भी चीज हमें मिली है, क्या क्या मिला, d इज इक्वल्स टू −2, dx इज इक्वल्स टू −2, dy इज इक्वल्स टू 2 एंड dz इज इक्वल्स टू −6, हमें हमारे सारे वैल्यूज जस्ट जो ऊपर निकाले थे उसको क्या कर दिया, मैंने नीचे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सारी वैल्यूज निकालेंगे। तो बाय अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल लिख दो, फिर इसके बाद x विल बी इक्वल्स टू dx अपॉन d, दैट इज dx कितना है −2, d कितना है −2, तो क्या हो जाएगा 1, y विल बी इक्वल्स टू dy अपॉन d, दैट इज इक्वल्स टू −2 हमारे पास, सॉरी +2 है, 2 अपॉन −2 दैट इज इक्वल्स टू −1। नाउ नेक्स्ट आगे z इज इक्वल्स टू z will be equals to dz upon d, dz कितना है −6, d कितना है −2, तो negative negative gets cancel, बचा कितना हमारे पास 2 × 3 = 6, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 1 − 1 and 3। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप, x, y, z इस हिसाब से भी लिखो या फिर जैसे आपको सही लगे, ये क्या हो जाएगा 1 − 1 = 3, आपको आपकी वैल्यूज मिल गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम है, बस आपको क्या करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करने। कैसे, यहाँ पे आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा होगा बिकॉज राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में आपको कोएफिशिएंट वाला पार्ट सब जीरो है, जबकि लेफ्ट पार्ट में हमारे पास अभी भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो इसको आप मॉडिफाई करोगे थोड़ा सा, यानी कि जो ये 6 है ये लेफ्ट साइड में, उसको हम क्या करेंगे राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये 2x + y − 2z = −2 हो जाएगा, ये 2 को इस तरफ शिफ्ट कर दो एंड x + y − 3z = −6 और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद आपको क्या लिखना है, डी लिखना है। डी कैसे लिखोगे, तो 1 − 2 − 3, यहाँ पे जो हमारा राइट हैंड साइड था उसके हिसाब से मैंने लिखा है 1 − 2 − 1 − 1 − 1 − 2 − 3 यहाँ से, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 1 है −2 − 1 − 3 माइनस, इसका रो हाइड करो, उसका कॉलम हाइड करो, जो भी चीज दिखाई दे रही है वो बस एज इट इज लिखा है। −1 है हमारे पास, इसका रो और इसका कॉलम हाइड करोगे तो 2 − 2 − 1 − 3। नेक्स्ट +1 − 2 − 1 − 1 अब इसको सॉल्व कर दो, 1 − 3 − −2 × 1 नेक्स्ट −1 − 2 × −3 − −2 × 1 नेक्स्ट हमारे पास क्या है +1 − 2 × 1 − 1 × 1 1 − 3 − −+2 नेक्स्ट −1 − 6 − −+2 +1 − 2 − 1 यहाँ पे आ जाएगा −1 − 1 यहाँ पे आ जाएगा −4 +1 × 1 −1 − −+4 +1 तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपके d की वैल्यू टू बी इक्वल्स टू 4 एज सिंपल एज दैट, आपको d क्या मिल जाएगा, आपका 4 मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर,
नेक्स्ट पार्ट के ऊपर. अब हमें क्या लिखना है, हमारा डी एक्स लिखना है. तो डी एक्स लिखने के लिए क्या करोगे, सिंपली जो एक्स वाला हमारा कंप्लीट कॉलम है उसको आप रिप्लेस कर दोगे हमारे राइट मोस्ट पार्ट से. तो हम हमारा एक्स यहां पे लिख देते हैं, डी एक्स विल बी इक्वल्स टू, चलो तो सिंपली आपको 6 - 2 - 6 ये वाला जो पार्ट है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 - 2 - 3. ठीक है, अब आपको बस वैल्यूज को डिटरमिनेंट निकालना है, जो वैल्यूज है उसका डिटरमिनेंट निकालना है. ये हो जाएगा हमारे पास This will be equals to 6 - 1 - 2 - 3. फिर उसके बाद +1 - 2 - 2 - 6 - 3. ये और ये हाइड करने की वजह से जो चीज दिखाई दे रही है बस हमने वो लिख दी. फिर उसके बाद +1 है हमारे पास, यहाँ पे -1, फिर +1 एंड बाकी सारी चीजें जो बच रही है -2, इसके माइनस सॉरी बच रही है वो नहीं माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 6 - 3 - 1 - -2 - 1 -1 - 2 - -3 - -6 - 2. नेक्स्ट +1 - 2 - 1 - -6 - 1. 6 - 3 - - +, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +2. नेक्स्ट आगे -1 - -+ हो जाएगा +6. यहाँ पे भी देखो -+ हो जाएगा, लेकिन बीच में माइनस की साइन है, इसके लिए हमें क्या करना है माइनस को लिखना है. इसके बाद नेक्स्ट +1 - 2 - क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 6. नेक्स्ट 6 यहाँ पे बचेगा -1 - 1 यहाँ पे हो जाएगा -6. 12 बड़ा नंबर है तो -6 बच गया. फिर इसके बाद +1 यहाँ पे +4 बिकॉज 6 बड़ा नंबर है यहाँ पे, तो -6 - -+6 + 4 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा के आपके पास सिर्फ 4, यानी कि डी भी 4 है डी एक्स भी 4 है. अब नेक्स्ट डीवाई, अब डीवाई हम यहाँ पे कहीं पे तो भी लिखते हैं. अब डीवाई लिखने के लिए हमें क्या करना है, बस ये जो वाई वाला है उसको छोड़ना है और हमें हमारा राइट हैंड साइड के ऊपर ध्यान देना. तो 1 - 2 - 1 - 6 - 2 - 6 नेक्स्ट 1 - 2 - 3. ठीक है, दिखाई दिया आप सभी को क्या हमने मॉडिफिकेशन किया. सिंपली बस क्या करना है, जो एक्स वाला कॉलम है वाई के लिए निकाल रहे तो वाई वाला कॉलम है, तो वाई वाले कॉलम को आप चेंज कर दो राइट मोस्ट से. अब 1 है और उसके क्या है 2 - 2 - 6 - 3. हाइड दिस रो, हाइड दिस कॉलम, जो चीज दिखाई दे रही है बस उसको लिख दो. नेक्स्ट -6 के लिए हमारे पास क्या है 2 - 2 - 1 - 3. नेक्स्ट +1 के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास 2 - 2 - 1 - 6 - 6 - 1 - 2 - 3 - 2 - 3 क्या होगा पॉजिटिव 6 होगा. हम क्या करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव 6 लिख देते हैं, बीच में क्या है माइनस की साइन. -6 - 2 कितना होता है मल्टीप्लाई करोगे तो -6 - 2 कितना हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ 12, बट बीच में माइनस की साइन है इसके लिए वो क्या हो जाएगा -12. -6 यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा -6 यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, लेकिन बीच में माइनस की एक और साइन होगी तो वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव. समझ में आया, काफी इजी सारे स्टेप्स है. +1 इतनी प्रैक्टिस करने के बाद तो इतना आराम से हो जाएगा. अगेन -12 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -2 - 1 - 2 - 2, बट बीच में क्या है पॉजिटिव की साइन है इसके लिए वो हो जाएगा -12 + 2 हमारे पास. और अब हम इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1 - -6 - 6 - -4 + 1 - -10. पेन चेंज करती हूँ ताकि कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा अलग डिफरेंट दिखे. तो -6 है हमारे पास, -, -+ हो जाएगा +24 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा -10. -6 + 24 - 10 आपको कितना मिल जाएगा +8. तो आप यहाँ पे +8 लिख दो. फिर इसके बाद हमें हमारे सारे वैल्यूज मिल गए, डी मिल गया 4, डी वाई डी एक्स मिल गया हमें 4, डी वाई कितना मिल गया 8. अब चलते हैं हमारा डी जेड के ऊपर. तो डी जेड निकालने के लिए हम यहाँ पे काम करते हैं, तो डी जेड विल बी इक्वल्स टू हमारे इक्वेशन सारे यहाँ पे
दैट विल बी इक्वल्स टू, सिर्फ y वाले को चेंज कर दोगे राइट मोस्ट से, तो 1 2 1 1 1 1, और ये क्या हो जाएगा 6 - 2 - 6 आप सबके पास. नेक्स्ट है इसका डिटर्मिनेंट निकालना, दैट इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे मिलेगा 1 इंटू इसके माइनस 1 - 2 - 1 - 6, नेक्स्ट माइनस ऑफ 1, उसके बाद इसके क्या हो जाएंगे 2 - 2 - 1 - 6, नेक्स्ट हमारे पास पॉजिटिव 6 के क्या हो जाएंगे 2 1 1 1. Now 1 into minus 6 cross 1 minus minus 2 cross 1. इसके बाद minus 1 into minus 6 cross 2 minus minus 2 cross 1. Next plus 6 into 2 cross 1 minus 1 cross 1. 1 into minus 6 positive 2 हो जाएगा because minus minus plus हो जाएगा. Minus 1 into minus 12 again positive 2 हो जाएगा. Next plus 6 into 2 minus 1 is 1. तो आप directly भी वो लिख सकते हो. छोटे छोटे कैलकुलेशन है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. माइनस 6 प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू माइनस 4 ओनली. यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस ऑफ 12 प्लस 2, बड़े की साइन क्या है नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे नेगेटिव साइन दे देंगे. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ 10, माइनस 10 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ 10, तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव 10 मिल गया. नेक्स्ट प्लस 6 है हमारे पास. नेक्स्ट माइनस 4 प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव ऑफ 2, पॉजिटिव 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा 12, तो हमें यहाँ पे मिल गया 12. अब चलते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर. अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल लिख दो, आपको जितना भी लिखना है क्रैमर्स रूल, हमें जितनी वैल्यूज निकाली है वो भी लिख दो. ये कितना आया 4, ये भी 4, ये 8 आया, और ये जस्ट हमें कितना आया 12. नाउ अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल ऑल द कोएफिशिएंट ऑल द वेरिएबल्स की वैल्यू क्या मिलेगी, dx अपॉन d, dx कितना है 4, तो 4 अपॉन 4 विल बी इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू dy अपॉन d, dy कितना है हमारे पास 8, तो 8 अपॉन 4 विल बी इक्वल्स टू 2. नाउ z कितना है हमारे पास, z इज इक्वल्स टू dz अपॉन d, dz कितना मिला 12, 12 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 3. फाइनल स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, दस वी गॉट ऑल द वैल्यूज ऑफ रेस्पेक्टिव x, y एंड z टू बी इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3. इस हिसाब से आपको सारे सम सॉल्व करने हैं. बस कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान देना, कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर को यूज करो, हैंड कैलकुलेशन की ओर मत जाना, और ये वाला सम को ट्राई करो आप सबसे हो रहा है क्या. अगर नोटिस करोगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड देन आप इसको सॉल्व कर सकते हो. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं ये z को हमारा जो वेरिएबल पार्ट है उसको किधर लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो पॉजिटिव z हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, ये नेगेटिव ऑफ 2x है जो हमारे ये पार्ट में, हम इसको हमारे लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे इज इक्वल्स टू 1, ये अगेन y को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो x माइनस y प्लस z इज इक्वल्स टू 0. आपने अपने इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है, आपके पास 3 इक्वेशंस है, 3 अननोन्स है, आपको क्या निकालना पड़ेगा d, then dx, then dy, then dz, and you can easily solve your questions with the respective answers such that x is equals to minus 3, y is equals to 2, and z is equals to 5. अब आपको क्रॉस चेक करना है कि आपके इक्वेशंस आपका जो आंसर है वो सही है कि नहीं. आपके पास दो मेथड है. मेथड नंबर 1, क्या करो सारे जो वैल्यूज आपको मिले हैं, जो भी वैल्यूज आपको मिले ये इक्वेशन के ऊपर, ये इक्वेशन के अंदर डालो, एंड डालने के बाद देखो राइट हैंड साइड के इक्वल्स आ रहा है कि, अगर आ रहा है मतलब सही है, नहीं आ रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ कर दिया है. दूसरा मेथड है आपके पास कैलकुलेटर्स, कैलकुलेटर में आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो. क्या डालोगे, नंबर ऑफ अननोन्स 3 डालोगे और आपको वैल्यूज मिल जाएगी, इक्वल्स टू प्रेस करते जाना सारी वैल्यूज मिल जाएगी. लेकिन ये मेथड आप एग्जाम में नहीं कर सकते, यू नीड टू सॉल्व बाय डिटर्मिनेंट वाला मेथड. आप उधर कैलकुलेटर डालोगे तो वो लोग भी शॉर्टकट में बड़ा सा एक जीरो दे देंगे, देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दैट. अब देखते हैं नेक्स्ट, द वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट, आपको क्या दिया है वोल्टेज दिया है इलेक्ट्रिकल सर्किट का, आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस. हमें पता है हमारे सर्किट्स दो टाइप के होते हैं, एक तो पैरेलल या तो एक सीरीज. यहाँ पे देखो हमें दिया गया है कुछ वोल्टेजेस दिए गए, वोल्टेज है इसके लिए सारे वैल्यूज वी के फॉर्म में दिया है. डरना मत, अभी तक जितने भी सम सॉल्व किए एक्स वाई या फिर ए बी सी या फिर ऐसे रेस्पेक्टिव आते थे, वोल्टेज होने की वजह से इन्होंने यहाँ पे वी वन वी टू वी थ्री दिया है, दैट्स ऑल. ये भी हमारे वेरिएबल्स है, इससे डरना मत. ओके, यहाँ पे हमें सबसे पहले इक्वेशन क्या दिया है, v1 प्लस v2 प्लस v3 इज इक्वल्स टू 9, v1 माइनस v2 प्लस v3 इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे एक नेगेटिव है, फिर v1 प्लस v2 माइनस v3 इज इक्वल्स टू 1. तीन वेरिएबल्स है, तीन अननोन्स
मतलब तीन अननोन्स एंड तीन इक्वेशंस दिए गए हैं, सब स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अपने नॉर्मल इक्वेशन, नॉर्मल जो अपना डिटरमिनेंट है उसको फॉर्म कर सकते हो। तो डी विल बी इक्वल्स टू 1 1 1। नेक्स्ट है हमारे पास 1 माइनस 1 1। नेक्स्ट आ जाएगा 1 1 माइनस 1। ठीक है, थोड़ा सा रेड होने की वजह से शाइन कर रहा है, तो ध्यान देना इसके ऊपर। 1 1 1 हमारा नॉर्मल है, फर्स्ट वाला देखो 1 1 1। नेक्स्ट 1 माइनस 1 1। नेक्स्ट 1 1 एंड -1। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। 1 के साथ डील करते टाइम बहुत ध्यान से करना, जितना 1 सिंबल दिखता है उतना ही 1 हमें मार्क्स की तरफ, मतलब मार्क्स रिड्यूस की तरफ लेके जाता है, क्योंकि 1 to 1 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो नेगेटिव साइन का ध्यान देना पड़ता है। अगर आप 1 to 1 सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो तभी भी ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो 1 के साथ डील कर रहे हो तो कंफ्यूजन होता है माइनर्स को लेके भी, कभी कभी गलती से ये वाला लाइन उठा लोगे, ऐसा मत करना। तो यहाँ पे देखो, जब हम फर्स्ट एलिमेंट का ले रहे हैं तो उसका रो और उसका कॉलम हाइड कर दो और जितनी भी चीजें बची है उसको लिख दो एज इट इज, सेम टू सेम लिखना। फिर उसके बाद -1 आता है एंड देन 1 1 1 -1। नेक्स्ट है हमारे पास +1, ये हटा दो, बचा कितना हमारे पास 1 -1 1। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -1 into -1 इज +1, +1, बीच में माइनस की साइन, 1 into 1 is 1। नाउ 1 into 1 -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड into 1 क्या होगा, 0। यू कैन कम्प्लीटली इग्नोर दैट। नेक्स्ट -1 है, -1 into 1 is -1, बीच में माइनस की साइन है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। +1 1, -1 क्या हो जाएगा, एक बीच का माइनस, तो +1 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल्स टू -2। ओके, -2 into -1 विल बी इक्वल्स टू +2, +2 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे भी 2 है हमारे पास, 2 into 2 कितना, 2 into 1 हो जाएगा 2, और यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा 4। तो हमारा डी कितना है, 4। अब चलते हैं dx की ओर, dx नहीं dv की ओर, बिकॉज हम यहाँ पे वीक टर्म्स के साथ डील कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, dv1 लिखेंगे, ठीक है। dv1 इज इक्वल टू सिंपली क्या करना है, एक्स वाला जो कॉलम है उसको हमारे ये वाले कॉलम से रिप्लेस करना है। तो 9 3 1 और बाकी सारी चीजें क्या होंगी, एज इट इज होंगी, -1 1 1 -1। नेक्स्ट -1 3 1 1 -1, +1 3 -1 1 1। -1 3 -1 is -3 -1 +1 3 - है, एक बीच में भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नाउ -1 into -4 + 1 into 4 दैट इज इक्वल टू -1 + 4, +4 + 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 8। V1 कितना आ गया, dV1 कितना आ गया 8। अब dV2 निकालने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे हमारे जो V2 वाला कॉलम है उसको 9 3 1 से। नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, 1 1 -1। अब इसको सॉल्व करो, 1 into 3 1 1 -1 -9। नेक्स्ट 1 1 1 -1 हमारे माइनर्स, फिर इसके बाद +1 1 3 1 1 हमारे दूसरे माइनर्स, 1 into -3 -1 -9 into -1 -1। हमने क्या किया, सिर्फ क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 -1। यहाँ पे नेगेटिव की साइन है हमारी, बिकॉज क्या हम लेते हैं अल्टरनेट साइंस लेते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। फिर उसके बाद है हमारे पास -1 into -1, फिर +1 है हमारे पास, 1 into 1 is 1, -1 into 3 is 3। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4, बिकॉज 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे -2 हो जाएगा, -2 into -9 कितना हो जाएगा, +18 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, +18 लिखेंगे। यहाँ पे हमारे क्या पास क्या बचेगा, -2 into +1 विल बी इक्वल्स टू -2 हमें मिल जाएगा। नाउ -4 + 18 हमें कितना मिलेगा, -14 मिलेगा, +14 -2 कितना होगा, +12। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, +12। अब dV3 पे, अब V3 कहाँ लिखेंगे हम, V3 यहाँ पे लिख देते हैं, dV3 विल बी इक्वल्स टू, अब देखो 1 1 1 1 -1
पॉजिटिव वन. अब ये वाले कॉलम को चेंज करना है हमें 931 से. दिस विल बी इक्वल्स टू 1 इनटू माइनस 1 311 हमारे माइनर्स. नेक्स्ट माइनस 1 इसके माइनर्स क्या है 1311. नेक्स्ट टर्म 9 के माइनर्स क्या है हमारे पास 1 माइनस 1 1 एंड 1. वन इंटू माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन इंटू वन माइनस थ्री प्लस नाइन इंटू वन माइनस और एक बीच में है तो ये पॉजिटिव वन हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास माइनस ऑफ फोर. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा माइनस ऑफ टू माइनस टू इंटू माइनस वन विल बी पॉजिटिव ऑफ टू. यहाँ पे क्या है टू टू इंटू नाइन कितना मिलेगा पॉजिटिव ऑफ 18. अगेन माइनस फोर है हमारे पास और पॉजिटिव 18 है तो पॉजिटिव 14 हो जाएगा. पॉजिटिव 14 प्लस 2 will be equals to positive 16. तो आपको DV3 कितना मिल गया 16. सारे values आपको दिखाई दे रहे होंगे. तो अब हम क्या लिखेंगे DV1 DV2 DV3. ये मिला 4, ये मिला 8, ये मिला 12 एंड ये मिला हमें 16. Now according to Cramer's rule आप लिख दो and therefore V1 will be equals to DV1 upon D that is equals to 8 upon 4 2 हो जाएगा. V2 will be equals to DV2 upon D that is equals to 12 upon 4 that is equals to 3. Next V3 will be equals to DV3 upon D that is equals to 16 upon 4 that is equals to 4. तो इससे आपको क्या मिला final answer. Therefore the value of V1 V2 V3 will be equals to 234 or you can say the voltage across the electrical circuit कितना है 2 वोल्ट है फिर 3 वोल्ट है एंड देन 4 वोल्ट रेस्पेक्टिवली. अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट सम जो है हमारा ये टॉपिक के ऊपर उसके ऊपर जाते हैं. ये सम जो है काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको पूछा गया है एंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बिकॉज इसके अंदर हम दो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. अगर नोटिस करोगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. नॉर्मल स्टैंडर्ड जो हमारा इक्वेशन होता है उस हिसाब से नहीं है. हमें क्या करना पड़ेगा इसे नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा और लिखने के बाद कॉमन फैक्टर देखो इसमें क्या है क्या सब्स्टिट्यूट करोगे. कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा. 1/4 है 1/3 है. न्यूमरेटर में सब हमारे वेरिएबल्स वाले पार्ट है. अब इसमें क्या करोगे राइट. अब इसमें हमें डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा. ऐसा क्या एक कॉमन टर्म होगा. कॉमन टर्म जब हम कहते हैं तो हमें कॉमन मल्टीपल याद आता है राइट. कॉमन मल्टीपल भी कौन सा लोवेस्ट कॉलम या फिर जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो कैसे निकालना है हम सब जब छोटे थे तो हमने पढ़ा था. एक बता देती हूँ यहाँ पे हमारे पास देखो डिनोमिनेटर में क्या है 4 3 2 कॉमन कॉमा देना है कॉमा दे दो 4 3 2 है हमारे पास. अब हमें ऐसी वैल्यू लेनी है हमारे लेफ्ट साइड का जो ये छोटा सा ब्रैकेट दिख रहा है कि ये एक से ज्यादा नंबर्स को क्या कर सके डिवाइड कर सके. जैसे कि यहाँ पे अगर देखोगे तो 4 एंड 2 ये 2 के टेबल में आते हैं दोनों. तो हम क्या करेंगे 2 से कर देते हैं तो हो जाएगा 2. ये 3 को एज इट इज बिकॉज 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 तो हम 3 को एज इट इज लिखेंगे एंड 1. अब इसके आगे कोई भी सॉर्ट ऑफ आप डिविजन नहीं कर सकते. 4 2 है 3 है 1 है आप कुछ नहीं कर सकते. अब क्या करना है सिंपली लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करो इन दोनों को यानी कि 2 × 2 × 3 × 1 विल बी इक्वल्स टू 12. ठीक है. तो अब ये 12 आप निकाले हो. अब आपको क्या करना है ये जो कंप्लीट फर्स्ट इक्वेशन है इसको क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है विथ ऑन बोथ द साइड लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी विथ रेस्पेक्ट टू 12. तो अब आपको क्या मिल जाएगा अगर आपने यहाँ पे सब जगह पे 12 डाल दिया तो यहाँ पे मैं समझू 12 ऐसे लिख रही हूँ. ठीक है. तो इससे आपको एक फायदा हो जाएगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे ऑफकोर्स हम लोग तो इससे आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 3 मिल जाएगा यहाँ पे 4 मिल जाएगा और यहाँ पे 6 मिल जाएगा. यहाँ पे अपने आप आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा बिकॉज हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया. ठीक मल्टीप्लाई कर दिया. नेक्स्ट इक्वेशन के ऊपर आ जाओ. यहाँ पे देखो 3 2 5 यहाँ पे भी लोएस्ट निकालो 3 2 5. अब यहाँ पे नोटिस करोगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी वैल्यू होगी जो ये तीनों जो हमारे ऑड नंबर्स है इसको डिवाइड कर सके. तो हमें क्या करना है सिंपली मल्टीप्लाई 3 × 2 × 5 दैट इज इक्वल्स टू 30. तो अब इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा. सब जगह पे क्या करो 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा 10 जा 15 जा 6 जा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 330 हो जाएगा. आप सभी का इक्वेशन फाइनल लिखेंगे हम लोग डोंट वरी. अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है 7 9 6 इसका लोवेस्ट निकालो. 9 एंड 6 जो है दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 7 एज इट इज रहेगा 3 जा एंड 2 जा. अब इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते तो हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को.
जैसे कि 3×7×3×2 कितना हो जाएगा, 3×7 is 21, 21×3 6 आप करोगे 126 आपको आता है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 126 आपकी वैल्यू हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट होगा यहाँ पे 126 से आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, डिवाइड करोगे तो इस तरफ आ जाता है, तो 126 और यहाँ पे भी 126। अब इतने बड़े कैलकुलेशंस है, हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर यूज करो, डिवाइड करो, अपना आपके पास अगर फोन कैलकुलेटर है तो वो यूज करो, डिवाइड करो, और जब आप 126 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो आपको वैल्यू मिलनी है 18, तो आप 18 लिख दो, फिर इसको डिवाइड करोगे 126 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो आपको 14 मिलेगा, उसके बाद 126 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 21, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 252 मिलता है आपको वैल्यू। सिंपली अब आपको क्या करना है, ये जो पूरा पार्ट है हम इसको इरेज करते हैं बिकॉज हमें इक्वेशंस लिखने हैं हमारे। यहाँ पे आ जाओ, स्टैंडर्ड वे में हमारे इक्वेशंस कितने हैं, एक तो 3x-4y+6z=60, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 10x, थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया है बट अगर ध्यान से देखोगे तो यू कैन सी कि मैंने क्या लिखा है, 6z=130, 330, फिर उसके बाद है 18x-14y+21z=-250। आपको आपके तीन रेस्पेक्टिव इक्वेशंस मिल गए। अब ये जो रेस्पेक्टिव इक्वेशंस है बहुत बड़े डिजिट्स है, इसके लिए इसका कैलकुलेशन पार्ट जो है आप लोग ट्राई करो, बिकॉज कैलकुलेटर में करना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है, बाकी सारी चीजें तो हमने कर दी है, बस विल राइट अपना डिटरमिनेंट वाला फॉर्म ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे सब राइट लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे -4 15 -14 6 -6 21, हमारा dx क्या हो जाएगा, dx will be equals to, बस x वाले को चेंज कर दो, दैट इज 60 100 330 -252। नेक्स्ट पार्ट क्या है, -4 15 -14 6 -6 21। नेक्स्ट dy हम निकालते, dy will be equals to 3 10 18 और 6 -6 21 as it is। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, y वाला कॉलम चेंज करना है हमारे राइट मोस्ट से। फिर अब हम आ जाते हैं dz will be equals to, बस z वाला कॉलम चेंज करना है, 18 -4 15 -14 और यहाँ पे आ जाएगा 60 330 -252। तो जब आप ये डिटरमिनेंट देखो आपको समझ में आएगा, हम डिटरमिनेंट की वैल्यूज निकालेंगे और सिंपली हमें क्या करना है, उसको क्रैमर्स रूल लगाना है, दैट इज x will be equals to dx upon d, और फिर उसके बाद बाकी सारे रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यूज कुछ डेसिमल्स में मिलती है, 108 कुछ ऐसा वाई का आता है। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेटर यूज करना है, हाथ से करने मत जाना, यू हैव द कैलकुलेटर, प्लीज यूज दैट थिंग एंड यू कैन इजिली सॉल्व सच क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे ट्राई करो, ट्राई टू सॉल्व, एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो बताना, एंड वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।